तो आप नहीं लोगों भाई मैं आपके ये साथ हूँ, आप लोगों को इसने इजाजत अभी है। अभी तो मैं इसने आज मैंने जो इनकी इनकी जबान मैंने देखी है दूसरे ब्रॉड पे इन्होंने इस्तेमाल किया है, मेरे अंदर भी बहुत आग लगी हुई है क्योंकि मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर आपको कोई ऊपर नीचे कहता है तो आप उसको कहो, मेरे तलत अकीदे भाई, को मत गाली मारो। तलत आप भाई तो इनको जाने की मौका जरूरत देते हैं नहीं है बात किसी करने दोस्त की, को। आपने सारा नहीं कुछ नहीं कर सैफी भाई, दिया। बात बात ये है कि अगर कुरानो हदीस से बात करता है और ये सवाल नहीं करेगा, हमारे सवाल होंगे, ये कशकोल लेके कभी उधर जाता है, मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है। पहले तो कुतब से बात नहीं करनी, ठीक है? कुतब इसके लिए हुज्जत नहीं है। कुरान पाक हदीसे मुबारका हमारे लिए हुज्जत है। अगर उसके मुताबिक इसने बात करनी है तो 100 बिस्मिल्ला, और सवाल हमारा होगा पहला, इसका सवाल नहीं होगा। तो इसको ज़रूर लें, तो किसी दोस्त को जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सवाल हम करेंगे, ये जवाब दे, क्योंकि ये अपने तई चले मैं मुसलमान उनको है, ऊपर लेता हूँ, मुफ्ती और है। आप जो वो इज्जत एहतराम की लेकिन बैरियर एक रखे जब आप सेकंड, लोग से असद भाई बात एक बात कह करें। दूं मैं, प्लीज मेरी सुन ले एक बात। जी जी अगर बताएं। ये किताब अपना अल्लाह रसूल के अलावा इसने मिर्जा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम के लिए एक भी लफ्ज निकाला, एक भी, आप इसको नीचे धक्का देंगे? भाईजान नहीं, अगर कुतुब से वो ऐसे बात ही नहीं इस्तेमाल करनी, कुतुब करेंगे से तो बात ही बात नहीं ही, करनी। देखे देखे देखे, अगर कोई इंसल्ट की बात करेंगे तो क्या आपका ईमान है कि आप नहीं सुन सकते तो मैं सुन सकता हूँ? बस सही, नहीं नहीं कुतुब से नहीं बात ही नहीं करनी तलत भाई, बस तय वही हो होता है गया, ना, कुतुब से बात नहीं फिर करनी। आप देखें, जब तलत बात नहीं करेंगे तो भाई उनसे बात ना करें, इसमें क्या मुश्किल हमसे है? भी ना फिर बदतमीजी होएगी, सीधी सी बात है, फिर वो अच्छा नहीं बदतमीजी लगेगा। उनकर उनकी तरफ से होगी तो आपको इजाजत है, मैं उनको नहीं करने दूंगा बदतमीजी। बस ठीक हो गया, ठीक है ठीक है ठीक हो गया ओके। फिर। जी जनाब, तल्ला साहब क्या हाल है जनाब? और मुफ्ती साहब, मेरा तो हाल ठीक है, लेकिन उस ब्रॉड पे आपने आज मेरे अकीदे को गालियां बकी हैं किसने? आपने सर। ये अच्छी बात नहीं, आप तो उलमा है, लोग जो कुछ नहीं, मर्जी में कहते रहे, आपने खुद आप ही तो यानी फरमाया था इल्म मिर्जा है। साहब की नहीं, किताबें अहमदियों और गैर आप पहले अहमदियों को इल्म पढ़नी है, चाहिए। आप पहले इल्म है, जो मर्जी करें, अदब एहतराम और इखलाक के दायरे ओहो, में इधर रहकर देखिए, आप मैंने आलिम कौन है, सी बात की है? मैंने सिवाय आप वो आलम निशान है, नंबर आप 85 आपको मुफ्ती कहा है। था, इसके ऊपर रोशनी डाल दें। मैंने कोई गलत बात तो नहीं रोशनी की जनाब? डालें या निकालें वो और बात है, लेकिन इखलाकियात इस देखें, आपको तो दीन हमसे बहुत ज्यादा मालूम है। वो जब जनाब, आप अगर कोई मैंने इखलाकियात गलत नहीं बात की है तो करेंगे, आप मुझे बता अदब से सकते हैं कि निकलेंगे, देखिए तो मैंने मुझे ये हैरत गलत हो बात रही है। की है? सिवाय मैंने मिर्जा साहब की एक इबारत के आपसे कोई बात ही नहीं की, आप तो नाराज हो रहे हैं। नहीं, मैं नाराज इसलिए हो रहा हूँ कि आपने मेरे अकीदे के खिलाफ ऐसी जबान इस्तेमाल की है जो नहायत बुरी। आपके लिए मैं अपने अकीदे वालों से लड़ाई करता हूँ और उन्हें समझाता हूँ कि आपने अदब और एहतराम और इखलाक के दायरे में रह के बात करें, लेकिन जी आप तल्ला साहब, आके मेरे देखिए अकीदे को तल्ला बुरा साहब, भला इधर बोलेंगे तो देखिए, मैं भी नहीं सुन सकता हूँ। कोई नहीं बुरा भला, बिल्कुल भी नहीं, बेहरगिज नहीं। रूहानी खजाइन जिल्द 22 के अलावा मैं बोला ही नहीं। सफा नंबर 246 अच्छा है, मुफ्ती साहब, निशान मुफ्ती नंबर साहब बात 85 सुने, अब है। मेरा एक सवाल है, एक सवाल है, एक दो सवाल हैं आपसे, एक मिनट जी, पहले तो तल्ला साहब से उसका पूछ लेने दे, मैंने गलत बात कौन सी की है? चले होगी जो बात हाँ होगी, जी मैंने शायद सही ना सुनी हो। आप इनसे बात करें, अभी मैं आप भाइयों से हाँ इल्तमास जी करता हूँ कि जितनी